मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश भर में ITI प्रशिक्षुओं को सरकारी संस्थाओं में मानदेय के साथ अप्रेंटिसशिप रखने के संदर्भ में बुधवार को नगर निगम परिसर में स्थित अतिथि गृह के सभागार में महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में ITI प्रशिक्षुओं को नगर निगम के विभिन्न विभागों में आवश्यकतानुसार पदों की उपलब्धता को लेकर बैठक आयोजित किया गया। बैठक में ITI के प्रधानाचार्य ने विभिन्न ट्रेडों और भर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में नगर निगम के अधिकारियों और पार्षदों को जानकारी दी। इस संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर ITI प्रशिक्षुओं को मानदेय के साथ अप्रेंटिसशिप करवाने के संदर्भ में बैठक आयोजित किया गया, जिसमें नगर निगम 501 प्रशिक्षुओं को अप्रेंटिसशिप पर रखेगी। प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय 7700 रुपए दिया जाएगा। ये अप्रेंटिसशिप एक वर्ष के लिए होगा। इस मौके पर महापौर सीताराम जायसवाल, उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा, अपर नगर आयुक्त राधेश्याम सिंह, उपनगर आयुक्त संजय शुक्ला सहित ITI कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, सभापति जी बैठे हैं, हमारे माननीय पार्षद जी हैं सर, तुम लोग आपको मालूम है, आपको क्लियर कर दें सर। एक शिक्षु प्रशिक्षण योजना है, ये भारत सरकार की योजना है, शिक्षा प्रशिक्षण योजना का विस्तारीकरण करते हुए जो 2016 से चल रही थी। उसमें पहले ये था कि जो शिक्षु का अभ्यर्थी था उसको जो है 1500 रुपये अधिकतम मिलते थे प्रति माह। इसके बाद 2020-21 में माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना जो है उसको संचालित किया गया 2021 में, जिसके तहत 1000 रुपये जो है प्रति शिक्षु जो है उनको दिया जाएगा। पहले अभी ये सभी दिक्कत अभी दूर हुआ है, अब इसमें हमारे यहाँ हो चुके हैं, आप ITI पूरे यहाँ पहले करा के रेडी रखे हुए, मतलब अब उसमें से हमको इनका चयन करना। कौन सा काम करेगा पूछा? कोई भी जो मैकेनिकल मशीन है उस पर काम करेंगे। तो मैंने वो किसी मशीन में कोई पार्टिसिपेट करेगा जी सर, यही काम है ना जी। जैसे खराब मशीन से उसको जो काम करते हैं उनको टर्नर बोलते हैं। अच्छा। तो अपने यहाँ चूंकि टर्नर का कोई लेथ मशीन है नहीं, इसलिए टर्नर के की आवश्यकता अपने यहाँ नहीं है, इसलिए उसको शून्य कर दिया गया। नगर निगम गोरखपुर में शिशुक्षु प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत 501 विभिन्न व्यवसाय के ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को एक वर्षीय अप्रेंटिस हेतु निर्धारित देय प्रशिक्षण भत्ता ₹7700 प्रति माह के साथ योजित किया जाना है, और उसी के संबंध में विभिन्न व्यवसायों के सापेक्ष अभ्यर्थियों की संख्या डिसाइड करने, चयन प्रक्रिया कि क्या विधि रहेगी, कैसे उनको चयन किया जाएगा, पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ इसी संदर्भ में माननीय मेयर साहब, वरिष्ठ पार्षदगण और पूरी नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के टीम के साथ ITI के प्रिंसिपल साहब, उनके वरिष्ठ प्रिंसिपल जो वहाँ के टीचर हैं उनके साथ आज एक बैठक जो की गई है, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि 501 पदों के सापेक्ष जो है हम एक वर्षीय अप्रेंटिस हेतु लोगों को चयन करना, और इसमें सभी प्रकार के बिंदुओं पर इसमें चर्चा हुई है, और ये हुआ कहा गया है कि कल से ही इस पूरी प्रक्रिया को विधिवत चालू कर दिया जाए और कोशिश किया जाए कि हम 5 अक्टूबर तक जो है इस समस्त प्रक्रिया को हम पूर्ण कर लेंगे।